स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम इग्नू के जो वेबसाइट में एरर चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है कि इग्नू के वेबसाइट में एरर क्यों चल रहा है और इग्नू के ऐसे कौन कौन से पेज है जहां पर ये एरर चल रहा है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए आप वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया गया है और जो भी स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना चाहते हैं, अभी आप फीस पे करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर जो है वेबसाइट में एरर चल रहा है। ये एरर जो है आज से ही नहीं चल रहा है बल्कि कल से ही चल रहा है और कल से ही इस प्रॉब्लम को जो है फिक्स नहीं किया गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा इंटरनल सर्वर एरर। और साथ ही में आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करेंगे, यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से एरर आएगा। और इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर भी इसी तरीके से इंटरनल सर्वर एरर बताएगा। तो इग्नू के ऐसे कई पेज है जहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो इग्नू के सर्वर में इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज जो है कल से ही आ रहा है और अभी तक जो है इसको फिक्स नहीं किया गया। ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है इसके बारे में इग्नू की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं या फिर ग्रेड कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो है अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीजें जो है अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप एडमिशन वाले पोर्टल पर आएंगे तो ये एडमिशन का पोर्टल भी यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है। और साथ ही में इग्नू के जितने भी रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर का जो है सभी वेबसाइट अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर आप इसको देख सकती है। बस यहाँ पर जो है कुछ ऐसे पेज है जहाँ पर जो है इस तरीके से जो है इंटरनल सर्वर एरर का मैसेज आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है इसके बारे में इग्नू की तरफ से नहीं बताया गया कि आखिर ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है। बाकी ये प्रॉब्लम जो है कल से ही आ रहा है और इसको कब तक फिक्स किया जाएगा इसके बारे में कुछ भी कन्फर्म नहीं है। ये शाम तक भी फिक्स हो सकता है या फिर हो सकता है इसको कल फिक्स कर दिया जाए। बाकी इसको जब भी यहाँ पर फिक्स कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर पाएंगे, क्योंकि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स द्वारा एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि ये वेबसाइट क्यों नहीं काम कर रहा है। तो इग्नू की तरफ से भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है कि ये सर्वर एरर का मैसेज क्यों आ रहा है। बाकी अभी सर्वर एरर का मैसेज आ रहा है तो यहाँ पर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फीस अभी पे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे इस एरर को फिक्स कर दिया जाएगा तो यहाँ पर जो है आप अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर पाएंगे और साथ ही में आप अपने असाइनमेंट का और अपने एडमिशन का डिटेल्स जो है आप चेक कर पाएंगे, यानी कि स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।